बहुत वेलकम सबको एंड हाय एवरीबॉडी। तो मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में आप सबको एक्सप्लेन किया था कि जो टर्की है वो यूके की रेड लिस्ट कंट्री नहीं है इस वक्त। तो लोग जो हैं बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से वो टर्की जा रहे थे, वो 10 दिनों तक टर्की में रह रहे थे और फिर उसके बाद जो है जब यूके में वो एंटर होते थे तो उनको रेड लिस्ट क्वारंटीन होटल में नहीं रहना होता था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अभी अनाउंस हुआ है कि 12 मई सुबह 4 बजे से टर्की यूके की रेड लिस्ट में होगा। इसका ये मतलब है कि जो भी 4 AM 12th ऑफ मई के बाद यूके में एंटर होगा उसको यूके के क्वारंटीन होटल में 10 दिन गुजारने होंगे। तो अब जो भी 1 मई के बाद जो भी एंटर हुए हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th टर्की में, उनके 10 दिन पूरे नहीं होंगे क्योंकि जब वो यूके में एंटर होंगे तो 12 मई के बाद ही एंटर होंगे। तो प्लीज़ आप ये भी मद्देनज़र रखिएगा सब लोग जो है कि अब टर्की में फ़ायदा नहीं है आपको जाने का अगर कोई भी टर्की में जा रहा है। और अगर टर्की कोई ट्रांज़िट भी कोई कर रहा है, किसी और कंट्री से आ रहा है और उनको यूके में जाना है और वो टर्की से ट्रांज़िट कर रहा है तब भी वो एक रेड लिस्ट कंट्री 12 मई के बाद है तो उनको एक क्वारंटीन होटल में रहना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी न्यूज़ थी मैंने जो आपको बतानी थी। मैंने प्रीवियसली आप सबको एक्सप्लेन किया था जो कॉस्ट सी और क्या वर्थ है कि नहीं, और मैंने बोला था कि रेड लिस्ट कंट्री जो है इस वक्त जो है यूके के होटल में ही आके रह लें, वो मेरे पर्सनल ओपिनियन था सबके लिए और आई थिंक मैं उसके साथ ही स्टिक थी। तो आई थिंक वही बेटर है क्योंकि अब जो है टर्की में बहुत मुश्किल हो गया है, वहाँ भी केसेस काफ़ी हाई हो रहे हैं। उसके अलावा 17 मई से यूके की तरफ से कुछ कंट्रीज़ रेड लिस्ट से ग्रीन लिस्ट में आ जाएंगी, यानी कि यूके के लोग जो हैं वहाँ हॉलीडे जा सकते हैं। कंट्रीज़ लाइक पोर्चुगल, न्यूजीलैंड, इसराइल, जिब्राल्टर, आइसलैंड लिस्ट गव की वेबसाइट पे है तो वो आप जा सकते हैं 17 मई के बाद। सिर्फ आपको यहाँ से जाने से पहले आपको टेस्ट लेना है और वापस आके भी टेस्ट लेना है और आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका टेस्ट नेगेटिव होगा। तो ये चेंजेस हैं। अगेन अगर कोई क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक हाई अलर्ट हो गया है और 3 कंट्रीज़ 12 मई सुबह 4 बजे से हैं, एक टर्की है, एक नेपाल है और एक मालदीव्स है, ये तीनों कंट्रीज़ ऐड हो चुकी है। तो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको दे पाई हूँ। अगर कोई भी किसी के पास क्वेरीज वगैरह है, अगेन मैं कोशिश कर रही हूँ सबको रिप्लाई करने की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑन योर ट्रैवल्स एवरीबॉडी।